बट आई थिंक यू वर एट योर बल्कीएस्ट मस्कुलर इन फोर्स फोर्स था फोर्स आई थी तो हमने हमारे जिम में सर फोर्स ही चलती थी फोर्स देख के वर्क आउट जॉन अब्राहम की बॉलीवुड में एंट्री बजायर तो एक लव हीरो या फिर रोमांस हीरो के तौर पे हुई और क्योंकि वो पहले से मॉडलिंग कर रहे थे सो उनकी फाउंडेशन स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मसल बिल्डिंग वो काफी अच्छी डेवलप थी और वो तैयार थे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। ऐसा नहीं है कि ही डिडंट गेट पॉपुलर फ्रॉम दोस अर्लियर रोल्स फ्रॉम दोस अर्लियर मूवीज। इनफैक्ट धूम की अगर हम बात करें सो दैट बिकेम वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर मूवीज जिसमें एक बाइकर ड्यूड जिसकी एक अच्छी फिजीक है लोगों ने उस कैरेक्टर को काफी सराहा। लेकिन अगर जॉन वाकईतन किसी चीज से पॉपुलर हुए तो वो ना उनके एक्टिंग स्किल्स थे या फिर रोमांस स्किल्स बल्कि वो थी वो एक्शन मूवीज विच वर कपल्ड विद अ फिजीक विच इज एट लीस्ट 25 पाउंड्स हैवियर इन टर्म्स ऑफ मसल मास एज कंपेयर टू हिज रोमांटिक रोल्स। और यही वजह है कि 2008 के बाद से जॉन बॉलीवुड में एक बिग हीरो के तौर पर जाने गए जैसे कि हॉलीवुड में ड्वेन जॉनसन। हालांकि इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता लेकिन एज एक्शन हीरो जॉन के टक्कर का इस वक्त बॉलीवुड में कोई नहीं स्पेशली जब आप मसल मास की बात करते हैं। एंड सिंस जॉन इज अ स्मार्ट गाय उन्होंने इस चीज को पहले ही सेंस कर लिया था कि अगर आपको इंडस्ट्री में पॉपुलर होना है अपनी एक पहचान बनानी है अपना एक नाम बनाना है स्पेशली व्हेन यू आर नॉट टू गुड और टू फेवरेट इन एक्टिंग एंड डांसिंग सो फिजिक एंड एस्थेटिक्स इज द वे टू गो। अब देखिए इंसान के हाथ में हर चीज नहीं होती जैसे उसके हाथ में उसकी हाइट नहीं है उसकी रंगत नहीं है बिल्कुल उसी तरीके से वो कितना अमाउंट ऑफ मसल मास नेचुरली कैरी करेगा वो उसके हाथ में नहीं। जॉन को 2003 से अगर आप देखें सो एक डिसेंट फिजिक वो कैरी करते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली दिस वॉज नथिंग न्यू एंड डिफरेंट बिकॉज लोग ऑलरेडी ही 90s में गाइज लाइक सलमान खान गाइज लाइक सुनील शेट्टी गाइज लाइक संजय दत्त उनको इस शेप में या फिर सो कॉल्ड फिगर में ऑलरेडी देख चुके थे सो दिस वॉज नथिंग न्यू फॉर देम दिस वॉज नथिंग डिफरेंट फॉर देम। सो जॉन ने वही किया अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए जो शायद कोई भी एक्टर करेगा या फिर आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट की डिमांड को पूरा करने के लिए खुद को नेक्स्ट लेवल पे पुश किया। एंड दैट इज ही हॉप्ड ऑन एनाबॉलिक्स। फिर क्या होता है जब आप मास पॉपुलेशन से मेजॉरिटी पब्लिक से जब आप डिफरेंट दिखते हो तो लोग आपकी फिजीक का राज जानना चाहते हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या किया जिसको फॉलो करके वो भी आपकी तरह दिखे। दिस इज लाइक अ प्रीटी नॉर्मल थिंग। ऐसे में अगर आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाएं और अपने एनाबॉलिक यूज को ओपन कर दें तो उसके काफी सिवियर रेपरकशंस हो सकते हैं जो कि एक्सट्रीम सिनेरियोज में आपका करियर भी खत्म कर सकते हैं। तो फिर जॉन ने अपनी फिजीक का राज कोड वर्ड्स में बताना शुरू किया जैसे कि आई हैव अबाउट 12 टू 15 एग वाइट्स अ डे ऑन द डेज व्हेन आई एम रियली बिल्डिंग मे बी इट गोज अप टू अबाउट 40 50 एग वाइट्स सम डेज आई हैव एज मच एज जस्ट ओनली 6 सो इट डिपेंड्स। आजकल के दौर में जहां पे चिकन ब्रोकली एंड राइस अगर कोई एक्टर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन डाइट क्लेम करता है तो लोग फौरन से ये समझ जाते हैं कि इस एक्टर ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टेस्टोस्टेरोन के क्लब सैंडविचेस क्लेन का हलवा और ट्रेन की चटनी खाई है। सो जॉन का 50 एग्स खाने का स्टेटमेंट मसल बिल्डिंग के लिए स्पेशली अपने फिजीक को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये स्टेटमेंट ऐसा ही है जैसे कि आमिर खान की दंगल ट्रांसफॉर्मेशन की वर्कआउट रूटीन। 7 से 8 घंटा वर्कआउट करता था। ओह माय गॉड। जैसे आदमी काम पे जाता ना वैसे आपकी मतलब ड्यूटी थी। हाँ तो शुरुआत में करता था ट्रैक से माउंटेन पे आप ट्रैकिंग जाते हैं पैदल चढ़ते हैं आप तो वो 3-3.5 घंटा में वो करता था रोजाना। हाँ सुबह 3-3.5 घंटा माउंटेन ट्रैकिंग। 12 बजे में खाना खाता था फिर मैं 2 बजे तक मैं रेस्ट करता था 12 से 2 खाना खाने के बाद में 2 बजे तक रेस्ट करता था। 2 बजे मैं जाता था वेट ट्रेनिंग करने के लिए जिम में 2 से 3 3 से 4 में स्विमिंग पूल में जाता था वहां पे कार्डियो एक्सरसाइजेस होते हैं स्विमिंग पूल में वो कराते हैं स्विमिंग पूल के अंदर आपको दौड़ाते हैं अलग अलग चीजें कराते हैं तो 3 से 4 वो होता था। 4 बजे के बाद या तो मैं साइकिलिंग जाता था 2 घंटा तो 4 से 6 वो जाता था या मैं टेनिस खेलता था 2 घंटा वो भी एक्सरसाइज। हाँ वो भी एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद जब ये पूरा हो जाता था फिर दिन को एंड करने के लिए मैं 2 घंटे की वॉक लेता था
उसके इर्द गिर्द, तो करीबन 7 से 8 घंटा डेली मैं कुछ ना कुछ अलग तरीके की एक्सरसाइज करते रहता था, जिसको हम बोलते हैं कैलोरी बर्निंग। लेकिन जाहिर है जब आप अपनी फिजिक को केमिकली इनहांस करते हो, यानी जब आप मदर नेचर के साथ प्ले करते हो, सो एक तरह से आप अपनी बॉडी को, इनफैक्ट अपने हार्ट को, अपने बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को स्ट्रेस्ड आउट कर रहे हो, तो ये चीज ज्यादा अरसे नहीं चल सकती, स्पेशली एज यू एज। यही वजह है कि कुछ दिन पहले जॉन गौरव तनेजा एके फ्लाइंग बीस के व्लॉग में आते हैं और अपने बॉडी वेट के बारे में ये बताते हैं। फोर्स आई थी तो हमने, हमारे जिम में सर फोर्स ही चलती थी, फोर्स देख के वर्कआउट। अभी मैं 82 किलो के, 15 किलो कम, लेकिन वो जो डेफिनेशन है वो कायम है, वो ठीक है। जाहिर है वो एडिशनल मसल मास जो आप एनाबॉलिक्स पे कैरी कर रहे थे, स्पेशली ऑन हैवी डोजेस, वो डोज डिपेंडेंट होती हैं। इवन जब आप डोजेस कम करेंगे तो वो साइज आप कैरी नहीं कर सकते, बिकॉज एनीथिंग बियॉन्ड योर जेनेटिक लिमिट, योर जेनेटिक सीलिंग, योर जेनेटिक पोटेंशियल, वो जैसे ही आप एलिवेटेड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स या फिर जिसको आप सुपर फिजियोलॉजिकल लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जैसे ही वो लेवल आपकी बॉडी से कम होगा, सो ऑल दैट लीन टिश्यू या एडिशनल मसल मास जो आप कैरी कर रहे थे ऑन दैट साइकिल, यू विल लूज ऑल ऑफ इट। इवन राइट नाउ इन माय व्यू जॉन इज ऑन टीआरटी, दैट इज टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, बट स्टिल वो डोज इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी सुपर फिजियोलॉजिकल या इतनी हाई नहीं है कि जॉन को 98 केजीज पे लेके जाए, एंड दैट इज व्हाई ही इज 82 केजीज एट द मोमेंट, यानी अराउंड 35 पाउंड्स का डिफरेंस है फोर्स मूवी और इस वक्त की फिजिक में। इसमें जाहिर है पूरा 35 पाउंड्स में ये तो नहीं कहता कि मसल होगा, बिकॉज जॉन वॉज बफ्ड अप इन दैट रोल, लेकिन आई वुड से अराउंड 20-25 पाउंड्स का ऑफ कोर्स यहां पे डिफरेंस है, बिकॉज जॉन इज अ टॉल गाय, प्रोबेबली 6 फुट और मे बी 6'1". अब आप यहां पे ये भी कह सकते हो कि जी जॉन तो किसी रोल के लिए प्रैप कर रहे हैं जहां पे उनको इतना मस्कुलर नहीं दिखना, दैट इज व्हाई ही इज डाउनसाइज्ड, जैसे कि इन शॉर्ट्स में हम देख रहे हैं। जो आम ऑडियंस है उसको शायद ये लगे कि फोर्स मूवी में जॉन ने, क्योंकि स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट थी ज्यादा मसल, ज्यादा हैवी लुक, सो दैट इज वाई उन्होंने अपना कैलोरी इंटेक वहां पे बढ़ा लिया होगा। लेट्स से अगर वो 3000 कैलोरीज खाते थे तो उन्होंने 5000 कैलोरीज कर ली होंगी, एंड दैट इज वाई ही लुक मैसिव, बिकॉज इन देयर व्यू, इन द व्यू ऑफ द पब्लिक, मोर कैलोरीज इक्वेट्स मोर मसल। और अब इस रोल में बिकॉज ही इज ट्राइंग टू लुक लेस मस्क्यूलर, तो ऑफकोर्स उन्होंने कैलोरीज कट डाउन कर दी होंगी, एंड दैट इज वाई ही लुक्स लाइक दैट, एंड इट्स प्रीटी सिंपल। यस, जब आप वजन कम करते हैं सो आपको कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, जिसको आप कैलोरी डेफिसिट कहते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि सिर्फ कैलोरीज का ही इम्पैक्ट होता है। इनफैक्ट जो इंसान ओवर 2 decades ट्रेनिंग करते हुए आ रहा है, जो इनफैक्ट अपनी मिड 20s में इतना मस्कुलर और इतना एस्थेटिक नहीं दिखा, वो अपनी 40s में इतना म्यूटेट कर जाए, वो भी रोल्स के अकॉर्डिंगली, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज का ही कमाल हो, अगर आप में से कोई ऐसा सोचता है, सो प्लीज, डे ड्रीमिंग इज अ वेरी बैड हैबिट। बट पर्सनली आई एम हैप्पी कि जॉन इज ए डाउन टू अर्थ पर्सन, क्योंकि उन्होंने खुद को जबरदस्ती मैसिव नहीं रखा जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग दैट स्टारडम। He is a realistic guy, and that is why he downsized his physique to look and feel healthy and to promote longevity in his lifestyle. अब यहां पर एक सवाल बनता है कि क्या अपनी फिजीक को एनाबॉलिक एक्सपोजर देना क्या आपको एक बुरा इंसान बनाता है? Of course not. In fact, ये एक्टर्स बहुत ही सेफ वे में ऑन एंड ऑफ साइकिल में रहते हैं, जो उसी वक्त मुमकिन है जब आपका बैंक बैलेंस अच्छा हो, जब आपके पास प्रॉपर क्रू हो, क्रू ऑफ ट्रेनर्स जो कि आपको इंजरी फ्री एक्सरसाइजेस करवाएं, क्रू ऑफ डॉक्टर्स जो कि हर वक्त आपका ब्लड वर्क मॉनिटर कर रहे हो, आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। अदरवाइज बहुत से यंगस्टर्स एनाबॉलिक्स के चक्कर में अपनी जिंदगियां बर्बाद कर बैठते हैं। बाहर जब आप इन एक्टर्स को टीवी शोज में या फिर मूवीज में या फिर इंटरव्यूज में देखते होंगे, सो आप भी इस ग्लैमर को फैंटेसाइज करते होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि स्टारडम को मेंटेन करने के लिए ये एक्टर्स जितना रिस्क और डेडिकेशन दिखाते हैं, आप सिर्फ ये सोचें कि एक एक्टर को अपनी पूरी जिंदगी टीआरटी पे या फिर एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन पे रहना पड़ेगा जस्ट टू मेंटेन दैट ग्लैमर, जबकि आपके केस में हो सकता है आपको उसी एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन या फिर टीआरटी की जरूरत मे बी इन लेट 50s या फिर लेट 60s में उसकी जरूरत पड़े।
लेकिन वो एक्टर जवानी से ही उन इंजेक्टेबल्स का सहारा लेता हुआ आ रहा है जो आपके केस में नेचुरली आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर पाती है। सो इस वीडियो का टेक अवे यही है कि जो आपके पास है जितना है, फिर चाहे थोड़ा कम हो या ज्यादा, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप एफर्ट करना छोड़ दें या फिर ये कहें कि आप कंपीट करना छोड़ दें, खुद से कंपीट करना छोड़ दें, अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करना छोड़ दें। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि कॉम्पिटिशंस समटाइम्स दे ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज डू नॉट ट्राई टू फोकस ऑन विनिंग स्मॉल बैटल्स, फोकस ऑन विनिंग बिग वॉर्स। यानी इन एक्टर्स को देख के शायद आपका मन करे कि आपको भी इन जैसा इंप्रेसिव दिखना है, आपके लिए भी लोग तालियां बजाएं, आपकी भी पॉपुलैरिटी और स्टारडम और फैन फॉलोइंग हो। लेकिन बेहतर यह है कि आप इनको एज फ्यूल यूज करें, एज मोटिवेशन यूज करें, और आपकी लाइफ में जो भी गोल्स हैं, भले छोटे बड़े, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उन्हें पूरा करें। एंड ट्रस्ट मी, सून सून यू विल फाइंड योर ओन ग्लैमर। If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.